बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉइंट क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्यूशन पॉइंट्स, आपके पास अगर कोई भी इक्वेशन गिवन है, लेट से वाई इक्वल टू 2x+3, आपसे पूछा जाता है कि क्या ये जो पॉइंट है 1, 2, क्या ये इसका सॉल्यूशन पॉइंट है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, वाई की जगह 2। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो ये इसका सोल्यूशन पॉइंट है, अदरवाइज ये सोल्यूशन पॉइंट नहीं है। तो अगर एक्स की जगह 1 रखें और वाई की जगह 2 रखें, जस्ट यहाँ पर ही डायरेक्टली भले चेक करके देखें, सो यू गेट दिस। इसका मतलब है कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये इसका सोल्यूशन पॉइंट नहीं है। दूसरा पॉइंट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे क्या 1,5 इसका सोल्यूशन पॉइंट है, तो ऑफकोर्स दिस इज, क्योंकि अगर एक्स की जगह 1 पुट कर दें और वाई की जगह 5 रख दें तो ये इसको सेटिस्फाई करता है, यानी कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो सॉल्यूशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये जो पॉइंट है 3,9, ये इस इक्वेशन का y=-x² इसका सॉल्यूशन पॉइंट है या नहीं है। सो आप 3x की जगह रखेंगे, y की जगह 9, तो ऐसे डायरेक्टली चेक कर सकते हैं आप। तो ये क्योंकि दोनों साइड बराबर नहीं है, तो लिहाजा ये इसका सोल्यूशन पॉइंट नहीं है। इसी तरीके से 3, अगर -9 आपसे कहा जाए क्या है इसका सोल्यूशन पॉइंट है या नहीं है, तो आप तो डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। अगर आप एक्स की जगह 3 रख दें तो ये y की जगह -9, तो ये इसको सेटिस्फाई करता है, तो ये इसका सोल्यूशन पॉइंट है। तो सोल्यूशन पॉइंट सिंपली वो पॉइंट होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट।